हेलो दोस्तों, हमारे और आपके इस चैनल पर हमारा और आपका एक बार फिर से स्वागत है और हार्दिक स्वागत है। आपने थंबनेल देख लिया होगा, हम लाने वाले हैं क्या, ला चुके हैं सीरीज फार्मूला प्रूफ की और भौतिक विज्ञान क्लास 12वीं की। आपको मालूम होना चाहिए 12वीं का एग्जाम आ चुका है, 22 फरवरी से आपका पेपर है। नहीं पढ़ेंगे दिक्कतें बढ़ेंगी, पढ़ना है क्योंकि मम्मी का, पापा का, दादा का, दादी का, मामा का, मामी का, नाना का, नानी का, सबका नाम रोशन करना है मित्रों। तो देर नहीं करेंगे, जल्दी चलेंगे पहले वाले चैप्टर को लेकर के। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फार्मूले आपके सामने आएंगे, पैदो क्षेत्र वाले सभी प्रूफ किए जाएंगे। वीडियो में कंसिस्टेंसी बना के रखो और धैर्य के साथ अपने इत्मीनान से अपनी आंखों को कहीं घुमाना मत और कहीं खाने खाने मत जाना यार। पहले क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ने के बाद खाना सोना कुछ भी करना, लेकिन पहले कॉपी कलम और दिमाग को अपने पास रखो। शुरू करते हैं मित्रों, लेकिन शुरू करने के पहले आपको बता दूं वो बात जो आपको जाननी चाहिए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू 2024। एक नया साल है, नई उम्मीदें हैं, नई आस है, नई विश्वास है, नए पंख हैं। बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे और जानते हो टॉप करने के लिए बैठाए जाएंगे। और हाँ, याद रखना यह पूरा साल आपके लिए किफायती होना चाहिए। प्रण कर लो, कुछ लेके जाना है, कुछ लेके मतलब क्या, एग्जाम बोर्ड का टॉप करना है, उसके बाद कहीं अच्छे से कॉलेज में अपना एडमिशन करवाना है मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे आपका, एक्सरसाइज भी आते हैं। जो प्रैक्टिस सेट हमारा है लिखा है ना, यहाँ पे चैप्टर 1 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 और ओनली फार्मूला क्वेश्चन प्रूफ, यानी कि ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपको प्रूवेशन मिलेगा मित्रों। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर के अगले वाले पेज पर, और अगले वाले पेज पर है कुछ सवाल और ऐसे लगते हैं ना जैसे पड़ाके से कम नहीं सर, क्योंकि जानते हो ना सवाल जब नहीं आएगा तो बम तो लगेगा लगेगा ना जी, और दिमाग उड़ भी जाएगा। दिमाग की मत भी गुल ना हो, इसीलिए हम आपके पास आए हुए हैं ताकि आपको बता सके कि देखो भाई पढ़ाई ऐसे भी होती है। तो यहाँ पे देखो भाई, पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है और बड़े खूबसूरती के साथ लिखने वाले लिखा है, तो आप उसको बड़े खूबसूरती साथ पढ़ भी लीजिए ना। लिखा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। मित्रों बहुत आसान सी बात है, पहली बात जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है मित्रों। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात किया जाए ना, तो दो समान और क्या होता है, दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से बहुत ही निकट दूरी पर रखे गए होते हैं, ये जो बड़ा सिस्टम है ना वह कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और यहाँ पे मिड पॉइंट मानेंगे, सब दूरियां यहां से ले जाती हैं और यह यल है और यह यल, यानी कि बेटा जो द्विध्रुव की लंबाई है वो 2L मानी जाती है, ताकि हमारा जो फार्मूला है आसानी से प्रूफ हो सके। और कह रहा है इसके अक्षी वाले में, यानी कि इसको मिलाने वाली रेखा के किसी पॉइंट पी पर आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र का मान। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, E एट पॉइंट P क्या होगा मित्रों। अब यहां देखो भाई, इसको मान लो पहला वाला है, ये मान लो दूसरा वाला है, और जानते हो ये मान लो यहां से r दूरी पर है, ठीक है ना, यही आपको निकालना है r दूरी पर, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर कोई पॉइंट P है, वहां पे आपको तीव्रता का मान निकालना है। तो यहां देखो भाई, हम बोलेंगे अच्छा पहले वाले आवेश की वजह से बनने वाला क्षेत्र वहां क्या बनेगा, E बराबर क्या होता है, K और Q बटे क्या, R का स्क्वायर। तुम बताओ यहां से यहां तक की दूरी क्या होने वाली है, तो मैं बताऊं पूरा R L निकाल दो तो क्या आएगा, R माइनस L आएगा। तो हम बोलेंगे R माइनस L का स्क्वायर, क्योंकि बिंदु आवेश Q की वजह से R दूरी पर तीव्रता K के ऊपर R स्क्वायर होती है। और हम बोलेंगे एंड, एंड क्या बोलेंगे बोलो, E2 का मान क्या आएगा, E2 का मान यहां से निकालना पड़ेगा ना, तो K और Q अपान क्या मित्रों, ये जानते हो क्या आएगा, और यहां से यहां तक की दूरी क्या आएगी, L प्लस R, यानी कि यहाँ पे आएगी R प्लस L का स्क्वायर आएगा। और ध्यान देना प्लस वाले से बाहर की ओर जाएगा E1 है, और नेगेटिव वाले से अंदर की ओर आएगा आपका E2 है, ठीक है ना जी, कोई बात नहीं, E1 भी निकल गया आपका, E2 भी निकल गया।
अब निकालना है नेट क्या होगा, हम बोलेंगे जो ई नेट आएगा वो क्या आएगा। अच्छा बोलो बड़ा कौन सा वाला होगा, जिनकी दूरी न, जिनकी दूरी कम होगी वो बड़ा होगा, क्योंकि के क्यू अपन आर का स्क्वायर, अगर आर कम होगा तो ई का मान ज्यादा होगा मित्रों, जानते ई वन का मान ज्यादा है और ई टू का मान कम है, घटा लो यार, यानी परिणाम ही बाहर ही जाएगा। और जानते क्या बोलेंगे, देखो ई वन का मान क्या है बोलो, के क्यू अपान क्या R माइनस एल का स्क्वायर, और E2 का मान क्या बोलो, के क्यू अपान क्या बोलो R प्लस एल का स्क्वायर, दोनों में कॉमन के क्यू ले लो ना मित्रों, तो क्या बचेगा यहाँ पे, अब बुरा करेंगे R प्लस एल का स्क्वायर आएगा और माइनस क्या आएगा, R माइनस एल का स्क्वायर आएगा अपान जानते हो क्या आएगा, R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का स्क्वायर आएगा मित्रों। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, देखते हैं क्या कहता है आगे। तो इसके आगे मित्रों हो जाएगा इक्वल टू बन जाएगा के क्यू, और मैं आपको बता दूं ना, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में होता है मित्रों आपका जोड़ना होता है और एक कोष्टक में घटाना होता है, तो R प्लस एल माइनस आर प्लस एल आएगा है ना, और होल का अपान क्या, देखो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है ना, तो क्या आएगा ये आपका आएगा R माइनस एल और क्या R प्लस एल स्क्वायर निकाल के यहाँ लगा देंगे ठीक है ना, ये टोटल आपका आ जाएगा बराबर आपका आएगा के क्यू आएगा, और यहाँ देखो एल से एल कट जाएगा तो टू आर आएगा, और आर से आर कटेगा तो टू एल आएगा, होल का अपान देखो यहाँ पे घटाना जोड़ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ देखो भाई यहाँ पे टू के क्यू, और देखो भाई यहाँ पे भी टू के क्यू निकल गया ना, एक टू और बचेगा और आर इंटू एल भी बचेगा, के क्यू था आई एक दो बाहर निकाल दिया और यहाँ पे दो आर एल बचा हुआ है अपान क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम बोलेंगे यदि, यदि क्या बोलेंगे, एल बहुत छोटा है आपका आर से, क्योंकि है अभी अरे भाई छोटा सा प्यादे जैसा है, आर बहुत बड़ा है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा तो हम बोलेंगे बराबर जो ई नेट आएगा ना वो क्या आएगा जानते हो, ये देखो पहली बात ये जान लो, यहाँ पे बात जान लो, ए टू के इंटू जानते हो क्यू इंटू है टू एल पकड़ लेंगे और यार यहीं पे रहन दो, और जानते हो अगर एल बहुत छोटा है तो लगभग जीरो के बराबर होगा, ये जीरो हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर आर पर फोर आएगा, एक आर से आर कट जाएगा, और अगर मित्रों आपको सहूलियत से पता हो तो जानते हो क्यू इंटू टू एल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और अपन आर क्यू बचा हुआ है, ये फार्मूला आपका प्रूफ होता हुआ। और याद रखना कहाँ से कहाँ, ध्यान दो ई वन बड़ा है ई टू छोटा है, मतलब परिणामी आगे जाएगा माइनस से प्लस की ओर, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ओर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ होती है, माइनस से प्लस होती है, वही बोलेंगे हम बोलेंगे माइनस से प्लस की ओर। और मित्रों पहला वाला फार्मूला आपका प्रूफ होता हुआ, देख लो आराम से, आप जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट और मैं चलता हूँ अगले वाले फार्मूले पर, क्योंकि मैं इसको उड़ाने जा रहा बम से। तो देखो मित्रों अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला वाला बोल रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताना है। बहुत आसान सवाल है यार, इतना आसान सवाल मिल रहा है आज मैं क्या बताऊं, फिर से वही हाल बताएंगे, ए क्या है आपका, ए आपका है क्या वैद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू और प्लस क्यू, यहाँ पे सेंटर है आपका, और जानते हो ये अभी एल और ये अभी एल, और कहा यह जा रहा है ना, देखो जान से ए कुछ ऐसा बन गया, निरक्षी वाला कंडीशन यही है यानी कि इससे 90 डिग्री पे, और यहाँ पे मान लो आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है मित्रों, आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है और आपको तीव्रता यही निकालनी है, तो हम बोलेंगे ज्ञात करना है, क्या बोलेंगे बोलो, ज्ञात करना है क्या ई नेट एट पॉइंट पी क्या होगा, ई नेट एट पॉइंट पी क्या होगा मित्रों। कोई बात नहीं यार, देखो ध्यान से, हमने कहा ना सब दूरी सेंटर से ले जाती है, तो सेंटर से आठ दूरी पर कोई पॉइंट पी है उसी पर निकाला तीव्रता, पहली बात तो ये निकालो इस वाले आवेश से यह कितना दूर है, तो अगर मैं बताऊं तो इस वाले आवेश से दूरी क्या आएगी मित्रों, ये आएगी देखो ए आपका लंब है, ये आपका यहाँ से आधार हो गया, एक कर्ण बनेगा, ये आपका आएगा कर्णी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा, और वही हाल यहाँ भी आएगा कर्णी में एल स्क्वायर प्लस क्या बोलो आर स्क्वायर आएगा ठीक है ना, इसकी वजह से तीव्रता आगे जाएगी, ध्यान देना इसकी वजह से तीव्रता कहां जाएगी बोलो आगे जाएगी, ये मान लो पहला वाला है ये दूसरा वाला है, ये मान लो E1 हो गया, इसकी वजह से तीव्रता इधर अंदर आ जाएगी, ये आपका मान लो E2 हो गया ठीक है ना, तो पहले निकालेंगे E1 और E2, पहले निकालेंगे E1 का मान क्या होगा, E1 बराबर क्या के
और Q अब बटे क्या इनके बीच की दूरी का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर जब करोगे ना ये आपका आएगा KQ अपान क्या आएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आएगा। और सेकंड क्या निकालना है, सेकंड आपको निकालना है मित्रों E2 बताओ क्या होगा, दिशा देखना प्लस वाले से दूर की ओर जाता है निगेटिव वाले की ओर आता है ना, तो यहाँ पे KQ और अपान क्या आएगा ये भी वही सॉल्व करने पर आएगा ना, कोई बात नहीं मित्रों ये हो गया यहाँ तक। लेकिन दिशाएं बदली हैं, दोनों परिमाण में खाली समान है बस, और जहां तक परिमाण में समान है तो यह बीचो बीच जाएगा मित्रों, अगर मान लो परिमाण में समान है तो उनका परिणामी कहाँ जाएगा बीचो बीच जाएगा, ये आपका ई नेट हो गया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। और जानते हो एक बात मैं अगर आपको छोटा सा बता दू ना, अगर यहाँ पे एक छोटी सी बात और कर दी जाए तो ई नेट का मान क्या आएगा, यहां देखो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है ई नेट बराबर क्या होता है ये तो हमको भी नहीं पता सर, लेकिन जानते हो यहाँ पे पॉइंट पी है और देखो यहाँ पे आपका 90 जा रहा है और ये मान लो ये आपका ई नेट वाला लाइन ए है और जानते हो ई नेट वाला लाइन ए है और ये वाला मान लो ई वन यहाँ जा रहा है और जानते हो और ई टू आपका मान लो यहाँ जा रहा है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा मान लो अगर ये वाला एंगल आपका थीटा हो जाए, ये वाला भी जो एंगल है आपका ना वो भी आपका थीटा ही होगा, एक बात ध्यान देना मित्रों। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो एकांतर कोण के नाते वाला भी एंगल क्या होगा वो थीटा होगा। और जानते हो अगर दोनों का परिमाण समान चल रहा है तो दोनों के परिमाण समान होने के नाते जब परिणामी बीचों बीच जाएगा तो यह भी आपका थीटा आएगा, कोई बात नहीं। एक थीटा को मान के काम कर लो, क्या कर ए भी थीटा है और जानते हो आपका ए भी थीटा है, इनके आएंगे दो घटक ई1 के, इधर वाला आएगा ई1 cos थीटा, ई1 cos थीटा और एक इधर आएगा ई1 sin थीटा आएगा, कोई बात नहीं है। और जानते हो इनके दो घटक आएंगे, एक इधर आएगा ई2 cos थीटा आएगा, इधर क्या आएगा ई2 sin थीटा आएगा, और हालांकि दोनों परिमाण में समान है ना मित्रों ए और ए कट जाएंगे, हम बोलेंगे जो इसलिए ई नेट आएगा ना वो क्या आएगा, वो आएगा ई1 cos थीटा प्लस क्या बोलो ई2 cos थीटा आएगा मित्रों। और ध्यान देना परिणामी कहाँ जा रहा है, प्लस से माइनस, उस वाले से अपोजिट हो रहा है इस बार, यहाँ पे आप देख लो cos थीटा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा ई1 प्लस ई2 आपका आएगा। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा मतलब होता है आधार बटे कर्ण, और जानते हो आधार आपका इस बार देखो एल है और कर्ण ए है, एल बटे क्या आएगा एल अपान आएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। और ई1 का मान क्या मित्रों, ये आपका KQ अपान क्या बोलो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ भी क्या बोलो KQ अपान क्या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही है। तो यहाँ पे देखो ध्यान रहे, यहाँ पे अगले वाले पे मित्रों ये जो आपका आने वाला है ये क्या है बोलो एल अपान क्या, इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 1/2। और जानते हो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हर समान है जुड़ जाएगा तो 2KQ आएगा अपान जो है यहाँ पे ना एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा, पावर क्या आएगा 1 आएगा। और जानते हो यहाँ पे यहाँ देखो भाई 2 ध्यान देना, और यहाँ पे 2 आगे अभी यहाँ 2 रहने दो मित्रों, क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी। यहाँ देखो यहाँ पे K रहने दो और यहाँ पे क्या है Q रहने दो और 2L को पास कर दो अपान, ये देखो अगर आधार समान है तो घात जुट जाएंगे, एक और आधा डेढ़ होता है तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे घात 3/2 आ जाएगा आपका। और हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे यदि 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 एल बहुत छोटा है आपके आर से, अगर जो एल है आपके आर से बहुत छोटा है तो एल नगण्य मान लेंगे, तब हम जो बोलेंगे ना जो ई नेट आपका आएगा वो देखो के इसका मतलब होता है पी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण अपान क्या, अब देखो ये आपका एल खत्म हो जाएगा मित्रों, आर बचेगा तो आर क्यूब बचेगा बस, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। और ये देखो आपका वेक्टर जो ई नेट आया है ना केपी अपन आर क्यूब, यानी कि वहां पे 2 गुना आ रहा था यहाँ पे वही 2 हट गया है, केपी अपन आर क्यूब आता है। और जानते हो कहां से कहां प्लस से क्या बोलेंगे बोलो प्लस से माइनस की ओर आता है, और ये वाला भी हमने खत्म कर लिया। और जानते हो छोटा सा यार फार्मूला था, और लेकिन हाँ 5-5 नंबर के सवाल जब लगाने को आएंगे तो लगाना तो पड़ेगा ना, बैठे बैठे कुछ मिलने वाला वैसे भी नहीं है, बैठने से खाली एक चीज मिलती है वो जानते हो क्या मिलती है, सोचो क्या मिलती है बैठने से यार, बैठने से आपकी बुद्धि में कमी आती है और वही कमी आपको मिल जाती है। तो अब देखो सवाल नंबर अगला क्या बोलता है, वैद्युत क्षेत्र में
वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित करना है। मित्रों कोई बात नहीं यार, हम सूत्र स्थापित भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। ये कह रहा है वैद्युत क्षेत्र है, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे बोलता है ना मित्रों, यहाँ पे कहता है डाइपोल है, कोई बात नहीं है। यहाँ प्लस वाला क्यों, यहाँ माइनस वाला क्यों है मित्रों, है ना जी। और जानते हो दिशा कहाँ जा, कहाँ कहाँ माइनस से प्लस की ओर जाती है, ठीक है ना। और ये आपका वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे थीटा एंगल पर रखा हुआ है, और जानते हो अमाउंट थीटा वन पे रखा हुआ है मित्रों, कोई बात नहीं यार। अगर आप इनको घुमाओगे ना तो ध्यान देना, घुमाने में मतलब मान लो आपने इसको यहाँ ला दिया, माइनस क्यू यहां हो गया, प्लस क्यू यहां, यानी कि थीटा वन से थीटा टू आपने कर दिया, तो अचानक काम नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो काम है ना वो क्या थीटा पर डिपेंड कर रहा है, और थीटा पर डिपेंड करे तो वेरिएबल होगा। तो हम छोटा सा घुमाने पर कहेंगे डी डब्ल्यू बराबर क्या, और घुमाना कौन सा वाला है, रोटेशन वाला है, तो हो जाएगा टाऊ इंटू क्या बोलो डी थीटा, यानी कि कार्य बराबर क्या बल गुणा विस्थापन। ये काम देखो रोटेशनल वर्क है, मतलब रोटेशन आपका फोर्स लग रहा है, और विस्थापन भी कौन सा एंगल वाला वही रहेगा हमारा यार। तो हम क्या बोलेंगे डी डब्ल्यू करते कर समाकलन कर लेंगे, और क्या कर लेंगे डी डब्ल्यू बराबर क्या टाऊ इंटू क्या डी थीटा, और कहां से कहां घुमा रहे हो थीटा वन से थीटा टू घुमा रहे हो, ये डब्ल्यू बन जाएगा, समाकलन डी से खत्म हो जाता है। तो टाऊ का फार्मूला क्या है मेरे मित्रों, टाऊ का फार्मूला है पी साइन थीटा, है ना जी। और यहाँ पे क्या डी थीटा, और जानते हो पी बराबर क्या होता है क्यू इंटू टू एल, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का समाकलन हो भी नहीं करता है, पी बाहर आ जाएगा, ई आपका कॉन्स्टेंट है जो वैद्युत क्षेत्र है वो अभी आपका बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे साइन थीटा का बताओ समाकलन क्या होता है, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कॉस थीटा, और थीटा वन से कहां थीटा टू तक जाना पड़ेगा, हम बोलेंगे इसलिए डब्ल्यू बराबर क्या पी बन जाएगा। और अगर यहां देखा जाए तो जानते हो क्या बनेगा, एक बार थीटा के प्लेस पे आएगा तो माइनस कॉस थीटा टू, और यहां पे जानते हो ए प्लस बन जाएगा, क्या कॉस थीटा वन, क्यों प्लस बन गया, एक माइनस इसका है और एक खुद लग जाता, मतलब कि यहाँ माइनस लगता और एक इसका लगाना पड़ता, दोनों प्लस बन जाता। तो हम बोलेंगे इसलिए डब्ल्यू आया ना, डब्ल्यू बराबर क्या पी, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, फार्मूला आपके पास चला गया और देखो खत्म कर लिया हमने मित्रों। और मैं बताया ना कि बहुत छोटे छोटे काम है आप, मतलब आपको करना है क्या है, थोड़े से रोटेशन में थोड़ा सा काम होगा, वही पकड़ समीकरण को पकड़ के समाकलन कर दो हो जाएगा। इसका आप जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, पांच नंबर वाला काम अपने कर दिया फिर से। अब हम चलते हैं अगले वाले बेटा क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर फोर है, गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, या गॉस प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। लगने यहां वाले रहेगा, बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो गॉस के नियम से कूलाम का चाहे वैद्युत क्षेत्र बोल दो यार, क्या बात एक ही तो है। जैसे मान लिया जाए सॉल्यूशन में आते हैं मित्रों, जानते हो क्या होता है, मान लो यहां पर कोई बिंदु आवेश क्यू है, तो गॉस आप क्या बोलते हैं, पहले आप बनाएंगे लूप, बनाएंगे बढ़िया सा थ्रेडी वाला लूप बन जाएगा। अब हमको जो आप पता है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है ना, गॉस आपका नियम पढ़ जानो कि फाई टोटल बराबर क्या होता है, फाई टोटल होता है क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट, गॉस आपका नियम है समीकरण नंबर एक मान लो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, फाई टोटल निकालेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट उन्हें पकड़े छोटा सा, इसकी वजह से यहाँ तीव्रता ई यहाँ जाएगी, कोई बात नहीं है। और जानते हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या, छोटा सा एरिया है, छोटे से एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स कैसा होगा, छोटा सा होगा, डी फाई। मान लो कोई पॉइंट पी है, किस पॉइंट पी पर कितना आएगा, ई इंटू क्या डी ए आएगा, यही ना आएगा, दोनों पक्षों समाकलन का तो टोटल निकल जाएगा यार। टोटल अगर निकालेंगे फाइव पी तो कितना आएगा, ई देखो ई बाहर जा रहा है और थ्री डी मेटेरियल बाहर जाता है, लंबवत होता भी है, तो बेटा दोनों कास्ट 90 बन जाएगा। और एक बार जान रुक जा, नहीं कास्ट 90 कहाँ बनेगा, एरिया ही बाहर जा रहा है, क्षेत्र ही बाहर जा रहा है, जीरो बन जाएगा ना, तो ई और यहाँ पे डी ए का जीरो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना जी। और ये बन गया टोटल, एक कट जाएगा, ए फाई पी आ जाएगा, मतलब फाई ये टोटल काव आ गया, समाकलन की हो ना, ए फाई टोटल काव आ गया मित्रों। यहाँ पे एक बाहर निकल जाएगा
और डीए 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 कुल एरिया गोले के एरिया क्या होता है, त्रिज्या मान लो आर है, तो एफ आई टोटल यहां से पकड़ो क्यू इन साइड बटे क्या एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ई गुड़े इसका क्या चार पाई आर का स्क्वायर, एक गोले का बाहर का जो एरिया वक्र पृष्ठ वाला वही होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं बच्चा, तो आएगा ई बराबर क्या आएगा क्यू इन साइड अपान क्या आने वाला है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है चार पाई आर का स्क्वायर, है ना जी। यहाँ पे आ जाएगा आपका ई बराबर क्यू इन साइड अपान चार पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ये आपके वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला निकल गया है ना जी। किसी भी पॉइंट पर यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र का मान आएगा ये क्या आएगा किसी पॉइंट पर ले लेंगे, ये कॉन्स्टेंट ना है, तो ई बराबर ऐसे ले सकते हो क्यू इन साइड अपान क्या चार पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बोलेंगे आर बोलेंगे, आर स्क्वायर बोल देंगे, कोई बात नहीं है। अच्छा मान लो अब यहाँ पे हर एक पॉइंट बी का मान आ गया, अब मान लो यहाँ पर कोई अब बिंदु आवेश क्यू नॉट रखा हो, अब जानते हो ना यहाँ पे एफ बराबर क्या होता है बोलो क्यू ही होता है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हो गया क्यू नॉट, तो क्यू नॉट गुड़े ई का मान क्या है क्यू अपान क्या चार पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, और यहाँ पे एफ बराबर जानते हो क्या आएगा, यहाँ पे जो आएगा एक बटा चार पाई एप्सिलॉन नॉट देखो क्यू वन और Q2 बटे R का स्क्वायर, कूलाम साहब का नियम यहीं से तो आता है, F बराबर क्या K इंटू क्यू वन, क्यू वन आपका अंदर वाला है, Q2 R Q0 वाला बाहर वाला बटे R का स्क्वायर। तो आपने पहले गौस साहब के नियम से क्या निकाला वैद्युत क्षेत्र का मान निकाल लिया, वैद्युत क्षेत्र का मान जो निकला लगने वाला बल F बराबर क्यू ही होता है, नहीं कहा मान लो यहाँ पे कोई Q0 रखा हुआ है आवेश रखा हुआ है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल F बराबर K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो यहां से आप ध्यान देंगे गौस साहब की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन तो हमने कर लिया आराम से, और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, देखो 18 में 20 में 23 में पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ लिए होंगे बढ़िया से। पहले आप फाई टोटल निकाल लीजिए फार्मूले पे बेस्ड, उसके बाद यहाँ पे आप निकाल लीजिए, और हर एक पॉइंट पी का मान सेम आएगा, तो हर एक पॉइंट पे लगने वाला बल का मान सेम आएगा, कूलाम साहब ने वही तो कहता है मित्रों। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, अगला वाला क्वेश्चन कहता है ना कि गौस के नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के पतले सीधे समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना कीजिए, कोई बात नहीं सर करते तो हैं। देखो सॉल्यूशन क्या है मित्रों, ये कह रहे हैं कि यहां पे मान लो कोई एक समान ए लंबा आवेशित तार है, कोई बात नहीं सर, और जानते हो यहां पे हम बोलेंगे जो आवेश घनत्व है लैम्डा है, हम बोलेंगे दिया है या क्या बोलेंगे माना कि तार पर आवेश जो घनत्व है ना, तो यहाँ पे बोलेंगे रैखिक, क्या बोलेंगे बोलो रैखिक आवेश जो घनत्व है मित्रों वो आपका लैम्डा है, लैम्डा माने क्या एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, और यहाँ पे हमको मान लो आर दूरी पर क्या निकालना है बोलो आर दूरी पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे ऐसे बना लेंगे क्या गौस बना लेंगे, गौस आपका पृष्ठ बना लेंगे, ऐसे बन जाएगा ये पहला वाला पृष्ठ है, दूसरा वाला पृष्ठ, तीसरा वाला पृष्ठ है, दूसरे वाले पृष्ठ का वेक्टर एरिया ऊपर जाएगा इसका नीचे जाएगा, है ना जी। और ध्यान देना हम बोलेंगे आगे वाली कहानी में क्या इसकी लंबाई मान लो हमने L मान ली है, ठीक है ना, लंबाई L मान ली है, और देखो हर प्लस वाले से तीव्रता कहाँ जाती है बाहर जाती है, तीव्रता कहाँ जाती है बोलो बाहर जाती है, तीव्रता कहाँ जाती है बोलो बाहर जाती है। तो हम पहले क्या बोलेंगे, पहले बोलेंगे गौस साहब के नियम से क्या जो फाई टोटल होता है ना वो क्या होता है क्यू इन साइड अपान क्या बोलो एप्सिलॉन नॉट होता है, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ जरा इसके अंदर कितना आवेश है, तो हम बोलेंगे अगर एकांक लंबाई में लैम्डा आवेश है एल लंबाई में कितना आएगा एल लैम्डा आवेश आएगा एल लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। एंड हम बोलेंगे दूसरा तरीका क्या है, हम बोलेंगे जो फाई टोटल बन रहा है ना मित्रों वो देखो फाई वन पहले वाले पृष्ठ के नाते बन रहा है, एंड फाई टू दूसरे वाले के नाते, एंड फाई थ्री तीसरे वाले के नाते, तो पहले वाले में क्या बन जाएगा ये क्या होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए ना ई डी ए कॉस थीटा, यहां भी और यहाँ भी क्या ई डी ए कॉस थीटा, और हर एक पॉइंट पर ई का मान समान आएगा, और यहाँ भी क्या ई डी ए कॉस थीटा, लेकिन जानते हो दूसरे और तीसरे में थीटा का मान 90 डिग्री है,
दूसरे तीसरे में थीटा का मान क्या है बोलो, 90 डिग्री यहाँ भी है, 90 यहाँ भी है, काश 90 का मान जीरो कट जाएगा तो ये कितना आएगा, ई कांस्टेंट है काश जीरो, इसका देखो इस वाले में वेक्टर एरिया आगे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे जाएगा, काश जीरो आएगा, तो डी ए क्या काश जीरो का मान एक होता है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर मान लेंगे दो हो गया, तो बोलेंगे समीकरण नंबर एक व दो से क्या बोलेंगे, एक एंड क्या बोलो दो से अगर देखा जाए ना तो आपका आएगा एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या ई, और डी ए डी ए डी ए देखो यहाँ डी ए काटा गया है तो डी ए डी ए डी ए डी ए पूरा कितना आएगा, ये होता है आपका बक्कर पेस्टी मतलब जो होता है ना वो क्या होता है 2πRL, ये बन जाएगा 2πRL, एल तो एल कट जाएगा तो ई का मान क्या आएगा लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πR, यानी जो वैद्युत क्षेत्र का मान है मित्रों वह आपके दूरी आर पर डिपेंड करती है, अगर मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर है तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ये हमारा हो गया सवाल नंबर क्या पांचवा भी निकल गया हमारा, तो हमको करना क्या था, और हमको करना ही था ना जी, क्या करना था लैम्डा मानना है, लैम्डा मान लेंगे काम चल जाएगा, बिना लैम्डा मानने काम नहीं चलेगा। माना गया है कि तार के एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा है क्यू है और इसी को लैम्डा मान लिए हो, तो एक बार फाई टोटल गॉस साहब का नियम सीधे लगा लो, एक बार फाई टोटल पूरा निकाल लो, दोनों कंपेयर कर दोगे मैच करोगे आपको मिलेगा ई बराबर लैम्डा अपॉन 2πε0 r आएगा, फार्मूला आपका यही है। तो देखा ना हमने खत्म कर लिया पूरा, इसको ले लो स्क्रीनशॉट में, और ये पांच जो फार्मूले मित्रों बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले मतलब कि आपके सामने आए हुए हैं, इसके बाद कोई फार्मूला ऐसा नहीं है जो तुमको आए ना और जानते हो, पढ़ोगे तो आएगा, और हाँ ये है सीरीज हमारा फार्मूला प्रूफ वाला, तो फिर करना क्या है यार, ये पहला वाला हमने खत्म कर लिया, अगले वाले मिलेंगे आपसे विभव के साथ, फार्मूले वहां पे प्रूफ कराए जाएंगे, दिक्कतें होंगी कमियां होंगी तो बताएंगे, आपके लिए हर चीज किया जाएगा, आपके लिए जान हाजिर जहान हाजिर पूरा हिंदुस्तान हाजिर है ना, तो आप पढ़िए टॉप करिए, आपसे मिलते हैं अगले वाले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।